ये देख लो यार। तो दोस्तों यार आज की जो अनबॉक्सिंग होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अनबॉक्सिंग होने वाली। बेसिकली आज आप बैकग्राउंड नॉइस पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जो डिसलाइक करते हैं ना उनको भी पता चलना चाहिए कि वीडियो जो है वो एक शूट कैसे होता है, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बैकग्राउंड नॉइज। मैं आज थोड़ा सा भी इसको कट नहीं करने वाला हूँ बैकग्राउंड नॉइज को, और आप देखना यार कितना ज्यादा जो गाड़ी है जो व्हीसल्स है वो पास करता है मेरे घर के थ्रू से, मतलब कि जहां पर मैं शूट करता हूँ उसके बगल से, और मुझे कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कितने बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो देखो यार ये कम से कम अभी यार 20 किलो का ये प्रोडक्ट है और बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, और ये बेसिकली है पोटा लाइट अम्ब्रेला लाइट जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। बेसिकली इसका मैं सबसे पहले प्राइस बता देता हूं, इसका प्राइस मुझे पड़ा है 5,000 रुपए। बेसिकली इसको मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये आज सुबह 9 बजे के करीब में मुझे डिलीवर हुआ। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या कुछ बॉक्स कंटेंट है। और ये बहुत ही अच्छा लाइट सेटअप है, क्योंकि यार जब तक आपका लाइटिंग बढ़िया नहीं रहेगा तब तक आपकी वीडियोस है वो प्रोफेशनल तरीके से बन नहीं पाएगी। तो देखो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा है यार, बहुत ही ज्यादा भारी है, हाथ दुखने लगे अगर मान लो यार ज्यादा देर तक अगर पकड़ के रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो यार देखो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है बॉक्स। उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे 2 सब्सक्राइबर ने अपने चैनल पे कुछ गिव अवे रखा है जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो जाइए उनको सपोर्ट करिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। तो दोस्तों देख सकते हो तो ये कुछ है बॉक्स कंटेंट, ये आप देख सकते हो तो बहुत ही भारी है और बेसिकली इसको आने में मुझे करीब लग गए थे भैया 10 से 12 दिन, और अमेजोन से मैंने ऑलरेडी पे करके मंगाया था। वैसे आप चाहो तो होम डिलीवरी भी करवाओ, होम डिलीवरी तो होता ही है, पे ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूं यार। तो नाइफ है यहां पर मेरे पास और इसको ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले इसको काटता हूं यहां से। सबसे पहले इसका ऊपर का आपको कवर हटा देना होता है जो कि बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है। थोड़ा सा हाथ बचाकर करिएगा, नहीं तो भैया पता चला कि खोलने के चक्कर में हाथ ही ना कट जाए। तो भैया ये जो है बॉक्स हमारा खुल चुका है, ठीक है। अब इस बॉक्स में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है देखने को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बैग्स भी देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा जो पूरा जो ये बैग्स है ये खुल चुका है। अगर बैग के अगर क्वालिटी की बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले उठाकर दिखा देता हूँ, यह बैग्स की क्वालिटी देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों बैग्स भी जो है वो है सोनिया का, यहाँ पर आप देख सकते हो सोनिया लिखा हुआ है। तो चलो सबसे पहले इसको बैग को हम रखते हैं साइड में, और ये नाइफ को भी भैया हम लोग साइड में रख देते हैं। पहले मैं भैया इसको खोलता हूं। इसको खोलने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले आपको एक जिप देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसको मैं फर्स्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से इसको खोल देता हूं। इसको खोलने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाता है ये 2 अम्ब्रेला, ये एक है। तो बेसिकली ये एक है एक और यहां पर 2 अम्ब्रेला आपको मिलता है। तो सबसे पहले देखो चलो अम्ब्रेला को थोड़ा सा खोल के देखते हैं क्वालिटी इसकी कैसी है। तो भैया इसकी जो क्वालिटी है वो काफी बेहतर है, ये आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छी है। तो इसको भैया अभी हम रख देते हैं। 2 अम्ब्रेला आपको मिल जाते हैं, एक है यहाँ पे ये आप देख सकते हो और एक है ये वाला। ये 2 अम्ब्रेला आपको देखने को मिलते हैं इस पोटा लाइट में। तो इसको भी हम लोग भैया इसमें साइड में रख देते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों हमें मिल जाते हैं ये 2 कोड जो कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसको मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा कि इसकी लाइटिंग की कंडीशन कैसी रहती है, तो थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी लेकिन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 आपको कोड मिल जाते हैं, इसको भी साइड में रखता हूं। अब दोस्तों मेन जो चीज है इसमें आपको लाइट भी देखने को मिलता है। लाइट के लिए दोस्तों इसमें आपको अलग से बैग्स भी दिया गया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लाइट के लिए अलग बैग दिया गया है। साथ में दोस्तों ये आपको हैलोजन भी दिया गया है, वो भी पता है 1000 वॉट का, ये आप देख सकते हो हैलोजन भी आपको दिया गया है। 2 हैलोजन दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूं, एक देख लो ये हुआ। और देखो अब सबसे बड़ी चीज जो सबसे मेन चीज होती है दोस्तों वो है ये, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पोटा लाइट, ठीक है। ये आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ये भी हैवी है और ये पूरी पैकेजिंग में आता है। ये जो लाइट है आपकी ये पूरी की पूरी पैकेजिंग में आती है, और यहां पर आप देख सकते हो इसको अगर आप खोलते हो तो देख लो, और यहीं पर जो है वो हमारा जो फिलामेंट होगा या फिर जो हमारा हैलोजन होगा वो यहीं पर इनपुट होगा। तो बेसिकली ये आपको 2 पीस मिलता है देखने को, ठीक है। ये 1 पीस इसमें हो गया, देख लो कितना साउंड आ रहा है भाई, देख लो कितना जल्दी जल्दी गाड़ी जो है वो पास करता है।
तो प्लीज ऐसे डिसलाइक मत किया करना, क्योंकि वैसे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट एक इंसान हो जाता है कोई भी एक यूट्यूबर हो गया। एक हो गया ये दोस्तों, और एक और आपको सेम चीज यही मिल जाती है, ये पोटाले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हैलोजन ये सब करके, तो ये दो पीस आपको मिल जाता है देखने को। अब दोस्तों आगे हमारा सबसे जो मेन है वो है ये स्टैंड। तो स्टैंड की अगर हैवीनेस की बात करूं तो ये जो स्टैंड है ये करीब 3 से 4 kg का है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का मुझे ये स्टैंड एक्चुअली में लग रहा है। चलो इसको हम ओपन करते हैं भैया। तो देख लो ये हो गया हमारा भैया स्टैंड, ठीक है स्टैंड, और ये बहुत ही बड़ा होता है, 9 feet का ये स्टैंड है। ये आप देखते जाओ, ये देखो, ये मतलब कि आसमान छूने वाला ये स्टैंड है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़ा ये स्टैंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो, अगर चाहो तो यहाँ से आप इसको ऐसे करके ऐसे कस भी सकते हो और उसके बाद लगा सकते हो। ये आप देख लो, मैं आपको पीछे बैक कैमरे से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टैंड है भैया ये खत्म ही नहीं हो रहा, एकदम पूरा देख लो, ये मात्र 1 या 2 feet से मेरा जो छत है वो मतलब कि छूने से ये बच रहा है। तो बहुत ही बड़ी आपको ये स्टैंड देखने को मिलती है, और इसी तरह से दोस्तों आपको 2 stand मिलती है, ये ना कि सिर्फ एक ही स्टैंड नहीं मिलती है दोस्तों, इसी की तरह आपको 2 stand आपको दिया जाता है। अब चलो मैं फटाफट से आपको लाइट लगाकर दिखाता हूं कि देख लो अभी मेरी क्वालिटी वीडियोस की देख लो कैसी आ रही है, उसका लाइट लगाने के बाद कैसी क्वालिटीज आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो चलो फटाफट से लाइट कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास वैसे 2 light तो है ही, लेकिन मैं अब दोनों लाइट लगाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा स्पेस ले लेगा और फिर दोनों लाइट को खोलना बंद करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। इसके लिए मैं आपको एक लाइट दिखा कर दिखा दूं, एक लाइट भी काफी होता है अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो शूट करना चाहते हो। तो चलो मैं फटाफट से इसको लगाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है जो पोटा लाइट का जो ये मेन चीज है इसको हमें दोस्तों इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पर सबसे पहले इसको आपको ओपन करना है। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको ओपन करने का एक चीज मिलता है, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है, तो दोस्तों ये देख सकते हो ये पूरा जो है, उसके बाद यहाँ से आप इसको कस सकते हैं, ढीला भी कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि ज्यादा हार्ड मत करना। और उसके बाद दोस्तों इसको मैं यहां से ऐसे करके इसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसको ओपन करके आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हो, यहां पर आप इसको कर सकते हो। अब दोस्तों मेन चीज आ गया हमारा फिलामेंट, अब हमें दोस्तों हैलोजन जो है वो इसमें लगाना होगा। तो हैलोजन दोस्तों आपको 1000 watt का देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो। हैलोजन को अच्छे से लगाइएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज होता है और बहुत ही ज्यादा ये हीट पैदा करता है। तो हैलोजन को लगाने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रुक जाओ यार, इसको ऐसे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको 2 knob देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमारा हैलोजन बहुत ही मशक्कत से भैया फिट हो चुका है। अब बारी आती है दोस्तों अम्ब्रेला लगाने की, तो भैया एक मैं किसी अम्ब्रेला को लेता हूं, और अम्ब्रेला लगाने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले यार यहां से आप ऐसे कर लेना है भैया, और उसके बाद यहां पर आपको अम्ब्रेला का एक इनपुट दिखेगा, तो यहां से भैया अम्ब्रेला लगा के इसके बाद इसको ऐसे करके कस देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप पीछे ही रखना, पीछे रखना, ज्यादा आपको सटा कर इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो भैया देख सकते हो ये जो हमारा अम्ब्रेला लाइट है ये पूरी तरह से लग चुका है। अब चलो इसको बारने की बारी है, तो बारने के लिए दोस्तों आपको तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये हमारा जो अम्ब्रेला लाइट है वो फुलफिल पूरी तरह से लग चुका है, सारा चीज लग चुका है, हैलोजन भी लग चुका है, सारा चीज लग चुका है। अब बारी है तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी देने की, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपको जो कॉर्ड दिया गया है इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको आप यहां से ओपन कर लो, बहुत ही लंबा कॉर्ड है, छोटा मोटा कॉर्ड मत समझना, देख लो बहुत ही ज्यादा लंबा कॉर्ड है। और पीछे दोस्तों आपको एक प्लग इन के लिए एक ऑप्शन देखिएगा, तो वहां पर दोस्तों इसको आपको प्लग इन कर देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये जो लाइटिंग है ये धीरे धीरे लाइट जो है वो आ रहा है, और बेसिकली इसका जो लाइट है वो पूरी तरह से येलो लाइट है, येलो लाइट है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो लाइटिंग है वो कैसा होता है और किस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं इसको यहां से ऐसे डाल देता हूं, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये मैंने सिर्फ
और सिर्फ एक अम्ब्रेला लाइट को अभी जलाया और एक ही सिर्फ हैलोजन को जलाया जो कि 1000 वॉट का है। और ना ही दोस्तों मैंने कोई भी एक एलईडी बल्ब अनदर कोई भी बल्ब यूज नहीं किया है, सिर्फ एक हैलोजन बल्ब जो कि 1000 वॉट का है और अम्ब्रेला लाइट जो कि है सिर्फ एक ही पीस का मैंने यूज किया। और लाइट और वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हो पहले से काफी अच्छी आ रही होगी। और सबसे बड़ी चीज की मैं बताऊं यार, तो अगर आप देखो एलईडी बल्ब अगर यूज करते हो, बेसिकली मैं भी हमेशा यूज करता था, जब से मैंने यूट्यूब खोला है एलईडी बल्ब भी मैं यूज कर रहा था और एलईडी बल्ब को मैं लटका देता था ऐसे तार से, तो उससे सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती थी कि कभी आपका इधर लाइट पड़ता था, कभी इधर लाइट, कभी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती थी, तो कभी ब्राइटनेस जो होती थी वो कम हो जाती थी। इसमें दोस्तों सिर्फ आपको एक ही चीज करना होगा, अगर आप ये पोटा लाइट यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है लाइट जो है वो थोड़ा सा येलो कलर में आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो बाकी ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सारा चीज ए टू जेड एकदम बोले तो झक्कास है। और मैं देखो यार मेरे अभी सेटअप टूर दिखाने वाला हूं, बहुत जल्द एक दो दिन में आपको सेटअप टूर का वीडियोस मिल जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 लाइट क्यों नहीं लगाया और कितना कंजेस्टेड एरिया में मैंने सेटअप बनाया, और भाई मैं बताता हूं देख लेना यार। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।